सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर स्वागत है और मैं सभी छात्रों का, जितने भी छात्र नए जुड़े हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको किस प्रकार बताया जाएगा। एक काम करिएगा आप लोग दोस्तों, नीचे जो चैनल लिखा हुआ है द स्पीड स्टडी, वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर ऊपर आप कम्युनिटी पे जाइएगा, वहाँ पे मैंने एक प्रश्न पूछा है कि जो भी बच्चे यक्स ग्रुप के हैं वो वहाँ पे यक्स ग्रुप पे अपना वोट करें, और जो वाई ग्रुप के हैं वो वाई ग्रुप पे, और जो यक्स और वाई दोनों पे हैं वो उस पे। तो इससे आसानी ये होगी दोस्तों कि जो हमारी ये क्लास स्टार्ट हुई है, ठीक, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं पिछली क्लास तो कोई बात नहीं, आज से आप हमारे साथ लगिए। एक बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप जो है इंटर की तैयारी कर रहे हैं या इस बार इंटर में हैं, तो आपको इंटर का भी जो है मैक्सिमम चीज यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि इंटर की भी तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। आप जब चैनल ओपन किए होंगे तो वहाँ पे आप देखे होंगे क्लास 10th एंड 12th की पड़ी हुई है वीडियोज। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे आ ही गए हैं तो रुकिएगा 10-15 दिन, आप इसका मजा लीजिएगा कि जो है पूरी क्लासेस कैसे चलती हैं दोस्तों, उसके बाद मैं जानता हूँ कि आपको अच्छा जरूर लगेगा। तो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट में आइए दोस्तों, एक बार जल्दी से कमेंट में आ जाइए आप लोग। हेलो राकेश, मोहित, मुकेश, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग देश, गुड मॉर्निंग पुनीत सर, वाई ग्रुप का चलेगा। पुनीत आप परेशान मत होइए, यक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के लिए जो है यहाँ पे जो है क्लासेस चलवाई जाएंगी दोस्तों, और आपकी नई बैच स्टार्ट हुई है। देखिए बहुत सारे चैनल हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि चैनल ही हैं, लेकिन आपको जो है एक नए सिरे से और आपके हिसाब से जो क्लास है वो यहाँ पर मिलेगी दोस्तों। आपको कोई समस्या होती है दोस्तों तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करिएगा, अपना डाउट भेजिएगा, आपका डाउट वहां पे क्लियर कराया जाएगा दोस्तों। एक एक बच्चे को जो है बताया जाएगा दोस्तों, कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और जैसा कि मैंने कहा है कि कहीं भी आपको समस्या नहीं होगी, और एग्जाम सेंटर से लेकर के दोस्तों, एग्जाम सेंटर से लेकर के इंटरव्यू हॉल तक मैं पहुंचा दूंगा आपको, ये मेरी गारंटी है दोस्तों कि अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं दोस्तों, तो आपको मैं इंटरव्यू हॉल तक जरूर पहुंचा दूंगा। तो जो भी बच्चे नए हो, नए जुड़े हो, परेशान मत होइएगा, आज से जान लीजिए कि आपकी नई बैच स्टार्ट हो रही है दोस्तों। यहां पर जो हमारी क्लासेस चलवाई जाती हैं दोस्तों, आप अगर देखे होंगे तो देखे भी होंगे दोस्तों, देखिए चूंकि जब एयरफोर्स का एग्जाम होता है, अभी जो आपकी बैच चलेगी दोस्तों स्पेशली एयरफोर्स की चलेगी, तो स्पेशली एयरफोर्स की चलेगी, जो एयरफोर्स स्पेशल में दोस्तों, एयरफोर्स स्पेशल की अगर हम बात करें तो जो बैच आपकी ये चल रही है दोस्तों, इसमें देखिए सबसे पहली चीज तो आपके पास इंग्लिश रहती है। हम बता रहे हैं यक्स ग्रुप के लिए क्या है, वाई ग्रुप के लिए क्या है। मोहित, हम कमेंट देख रहे हैं आपका, मोहित आप परेशान मत होइए, दो मिनट हमारी बात सुनिए, उसके बाद फिर अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों। इंग्लिश, मैथ, साइंस, रागा, जी हाँ दोस्तों, ये चार प्रश्न आपके, चार पार्ट आप रहते हैं जो यक्स एंड वाई बोथ के रहते हैं दोस्तों। इंग्लिश की अगर बात करें हम, तो इंग्लिश में आपके पास 20 क्वेश्चन रहेगा, चाहे आप यक्स के हों चाहे आप वाई के हों, इंग्लिश तो आपको पढ़ना जरूरी है दोस्तों। और इंग्लिश सिर्फ पढ़ना नहीं है दोस्तों, 20 नंबर में कम से कम, अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो 20 नंबर में कम से कम 17 नंबर में आपको दिलवा सकता हूं दोस्तों, इतना बता दूंगा कि उससे बाहर फिर दोस्तों नहीं आना है। उसके बाद दोस्तों अगर हम मैथ की बात करें, मैथ और साइंस दोस्तों ये दो चीज आपकी, ये दो केवल यक्स ग्रुप के लिए है, जी हाँ दोस्तों ये केवल यक्स ग्रुप के लिए है दोस्तों। मैथ के आपके पास 25 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के आपके पास 25 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। मैथ बताने के बाद, पूरा बताने के बाद दोस्तों,
आपको 23 या 24 क्वेश्चन आपको 23 या 24 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पेपर में 23 या 24 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाने की गारंटी लेता हूं दोस्तों, कि अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो 23 या 24 से कम आपका मैथ में नहीं आना है। वहीं अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस भी आपका ये मान के चलिए कि 20 से 22 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन। मैं कोई हाँक नहीं रहा दोस्तों कि कह दूं कि नहीं 25 में 25 ही आपके आए, 25 में 25 ही आपके आए, 20 में 20 ही आपके आए, ये सब कुछ नहीं दोस्तों। जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि एक या दो प्रश्न ऐसे रहते ही हैं जो आप ना पढ़े हों दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों कि जो साइंस का है वो मैं 20 से 22 मान रहा हूं, और जो मैथ का है दोस्तों 23 से 24, क्योंकि मैथ में एकाध प्रश्न ऐसा होता है जो कभी ना पूछा गया हो और पूछ लिया गया हो तो फंस जाते हैं, नहीं तो मैक्सिमम मैथ का वही सिलेबस जो है बार बार रिपीट करता है एयरफोर्स। वही दोस्तों रागा की बात करें तो ये स्पेशली वाई ग्रुप का है दोस्तों, केवल वाई ग्रुप वालों के लिए रागा मिलेगा आपको। और यहां पर आपको जीएस, यहां पे आपको जीएस, यहां पे आपको रीजनिंग, और रीजनिंग में ही दोस्तों आपको मैथ भी मिल जाएगी आर्ट साइड की। ठीक, रीजनिंग में एक चैप्टर होता है दोस्तों अंक गणित, तो वो अंक गणित आपको इसमें मिल जाएगा दोस्तों। ठीक, तो ये तो है सिलेबस हमारे पास दोस्तों, कि जैसा कि आपकी मैंने बताया कि आज से आपकी नई बैच स्टार्ट हो रही है दोस्तों। आपका काम क्या रहेगा कि आपका काम केवल इतना रहेगा दोस्तों कि आप इसे अपने फ्रेंडों को शेयर करिएगा, क्योंकि मैं रोज रोज शेयर करने को नहीं बोलूंगा कि रोज मैं लू 10 मिनट आपको ही बोलूं बच्चों शेयर करो बच्चों शेयर करो, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। केवल जो तरीका है मैं आऊंगा दोस्तों, पढ़ाऊंगा आपको, कहीं भी आपका डाउट हो आप डाउट पूछिएगा, कोई भी समस्या हो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट कर सकते हैं, आप पर्सनली हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, अगर कोई भी समस्या होती है तो। एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह हम और आप ऐसा पढ़ेंगे दोस्तों। हम तो बहरहाल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो है एयरफोर्स का एग्जाम नहीं, मैं सीडीएस का एग्जाम दिया था दोस्तों, एक बार दिया था, इंटरव्यू तक पहुंचा था। ठीक, इंटरव्यू से फिर डिस्क्वालीफाई हुआ दोस्तों, और इस बार फिर जो है एक बार और दूंगा मैं, क्योंकि मेरा जो टारगेट है दोस्तों यूपीएससी है, जैसे आप देख रहे होंगे, देखे भी होंगे कि मेरे व्हाट्सएप उस पर जो है लिखा हुआ है यूपीएससी। तो दोस्तों लेकिन यह है कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो आपको चूंकि मैं एयरफोर्स का एग्जाम भी दे चुका हूं दोस्तों, एयरफोर्स का एग्जाम दे चुका हूं, वहां भी जो है इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, तो इसलिए जो है मैं आपको अच्छी तरीके से बता सकता हूं कहां से क्या पूछा जाएगा, कैसे रहता है सारी चीजें। तो दोस्तों ये था आपके पास सिलेबस, इतना आपको पढ़ना है। अब हमको आज अभी एनालिसिस करेंगे कि कितने बच्चे हैं जो एक्स ग्रुप के हैं, कितने वाई ग्रुप के हैं। तो आप अपना वहां पे जाके पोल जो इंटर पोल है उस पे जरूर यस या नो कीजिएगा दोस्तों, कम्युनिटी पे जाएंगे वहां पे लिखा हुआ है, तो उससे ये पता चल जाएगा कितने बच्चे एक्स ग्रुप के हैं, कितने वाई ग्रुप के हैं। तो अगर ज्यादा बच्चे मिलते हैं या ज्यादा बच्चे रहते हैं या मिलते हैं, तो मैं स्पेशली पूरा विस्तार से हर चैप्टर एक्स ग्रुप के लिए, हर चैप्टर वाई ग्रुप के लिए करवा दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों अब तरीका सुनिएगा कि ये इतना आपको पढ़ना है दोस्तों। अभी मैं आपको बताऊं तो जो अभी आपकी 10 बजे से बैच चल रही थी दोस्तों, जो आपकी 10 बजे से बैच चल रही है जिसमें आप अभी जुड़े हुए हैं दोस्तों, ये आपका प्रैक्टिस बैच था। ठीक दोस्तों, ये आपका प्रैक्टिस बैच था, और इसमें जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाए जाते थे। ठीक, तो अब जो है जो आपका ये 10 बजे का प्रैक्टिस बैच था दोस्तों, ये 10 बजे का जो प्रैक्टिस बैच था इसका टाइमिंग अब कर दिया गया है शाम को 4 बजे। जी हाँ दोस्तों, इसका टाइमिंग दोस्तों शाम को 4 बजे कर दिया गया है। और जो ये 10 बजे वाली बैच है दोस्तों, यहां पर आपको इंग्लिश, जी हाँ दोस्तों, यहां पे आपको दोस्तों इंग्लिश मिल जाएगी। और चूंकि इंग्लिश इसलिए मिलेगी कि चाहे आप एक्स ग्रुप के हो चाहे आप वाई ग्रुप के हो, इंग्लिश आपको सेम मिलनी है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आप एक्स ग्रुप के हैं तब भी आपको इंग्लिश के वही पेपर मिलेंगे जो वाई ग्रुप वालों को मिलेंगे। ऑनलाइन एग्जाम होना है दोस्तों, आप एक बार एग्जाम हॉल में प्रवेश कर गए तो दोस्तों बाहर जाने नहीं दिया जाता है। ठीक, तो ये चीज है कि इंग्लिश आपको दोनों में मिलेगी। तो 10 बजे जो आपकी बैच रहेगी दोस्तों वो इंग्लिश की बैच रहेगी, अर्थात जो अभी चल रही है 10 बजे आपकी इंग्लिश की बैच रहेगी दोस्तों। वहीं
अगर आप प्रैक्टिस की बात करेंगे दोस्तों, तो प्रैक्टिस आपकी 4 बजे रहेगी, और जो आपकी शाम को दोस्तों 7 बजे, ध्यान दोस्तों, शाम को सात बजे आपका मैथ रहेगा, और ये मैथ आपका वाई ग्रुप के लिए रहेगा दोस्तों। जो शाम को 7 बजे मैथ है दोस्तों, शाम को 7 बजे मैथ आपका वाई ग्रुप के लिए रहेगा, और 7 बजे ही दोस्तों जो मैथ रहेगा वो यक्स ग्रुप के लिए रहेगा। ठीक, तो मतलब जो 7 बजे है, 7 बजे आपकी 2 क्लासेस चलेंगी, एक क्लास आपकी मैथ की चलेगी यक्स ग्रुप के लिए, और एक क्लास आपकी मैथ की चलेगी वाई ग्रुप के लिए, दोनों अलग अलग चलेगी। मतलब अलग अलग का मतलब ये है कि 7 बजे 2 क्लासेज आपकी लाइव चलेंगी, जो बच्चे यक्स ग्रुप के हों वो यक्स ग्रुप में जाएं, जो बच्चे वाई ग्रुप के हों वो वाई ग्रुप में जाएं। तो ये इतनी चीजें हैं दोस्तों। और यहीं पर चूंकि देखिए दोस्तों, मैथ और साइंस देख रहे होंगे आप, मैथ और साइंस, तो ये दोनों चीजें दोस्तों यक्स ग्रुप में एक साथ पूछी जाती है। मतलब जब आपका फर्स्ट पेपर होगा, इंग्लिश का होता है, उसके बाद जब फर्स्ट पेपर आप दे करके, आपको 15 मिनट का रेस्ट मिलता है दोस्तों, उस 15 मिनट में आप पानी केवल पी सकते हैं, वो भी पानी वो ला के देंगे आपको आपकी सीट पर दोस्तों, बाहर आपको नहीं जाने दिया जाएगा। 15 मिनट बाद फिर आपका स्टार्ट होता है अगला सेशन, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं दोस्तों, 25 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं। तो मैथ और साइंस अर्थात टोटल आपके पास 50 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। तो वही चीज है कि जो आपकी यक्स ग्रुप की मैथ है दोस्तों, इसी में 2 दिन, जी हाँ दोस्तों, इसी में 2 दिन आपकी क्या चलेगी दोस्तों, 2 दिन आपकी साइंस चलेगी, और 4 दिन आपकी मैथ चलेगी, और 1 दिन आपकी मैराथन चलेगी। जी हाँ दोस्तों, मैराथन, 1 दिन आपकी मैराथन चलेगी दोस्तों, और 4 दिन मैथ, 2 दिन साइंस। संडे स्पेशल में दोस्तों मैथ का 1 चैप्टर पूरा और साइंस का 1 चैप्टर पूरा करवाया जाएगा, बाकी जो सिलेबस है ये है ही है। देखिए बच्चों, जो टारगेट है इसका, नवंबर में जो वैकेंसी आएगी दोस्तों, एयरफोर्स की वैकेंसी 2 बार आती है, एक बार उधर स्टार्टिंग में आती है जनवरी में, दिसंबर जनवरी के आसपास, और एक बार इधर आती थी अक्टूबर में दोस्तों। ठीक, तो सितंबर या अक्टूबर में एक वैकेंसी आती थी, तो सितंबर या अक्टूबर में जो वैकेंसी आती है दोस्तों, उसका एग्जाम जो होता है वो नवंबर तक होता है। तो आप याद रखिएगा कि अब टारगेट यही कर लीजिए एकदम फिक्स कि एयरफोर्स का एग्जाम आपको देना है और एयरफोर्स क्वालिफाई करना है दोस्तों। जो इंटर में है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंटर वालों को इसमें प्रॉब्लम बहुत कम होती है, तो इंटर वालों के लिए यक्स ग्रुप बहुत बेस्ट है कि अगर आप इंटर की तैयारी कर, इंटर में हैं, इंटर पढ़ते हैं, तो आपको यक्स ग्रुप बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और वाई ग्रुप अगर आप कंपटीशन में एक आध बार पढ़ चुके हैं दोस्तों, इंटर क्रॉस कर चुके हैं, तब आप वाई ग्रुप में इंटरेस्ट रखिएगा। तो ये था पूरा सिलेबस आपका, कहीं भी कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट करिए। अब मैं आपके कमेंट देखता हूं दोस्तों, आप कमेंट करिए दोस्तों, और मैं आपके कमेंट का जवाब दोस्तों कमेंट के माध्यम से दूंगा। और कोई भी डाउट रहता है तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिएगा, वहां पर आपका डाउट पर्सनली क्लियर करा दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, और ये मैं उम्मीद करता हूं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दीपक सर, वाई ग्रुप के लिए जीएस का क्या होगा? दीपक देखिए, वाई ग्रुप के लिए जो जीएस है आपकी, चूंकि देखिए इसमें जो जीएस पूछा जाता है, यहाँ पे जीएस और रीजनिंग है, तो जीएस में देखिए दीपक होता क्या है कि जैसे 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपको जीएस स्पेशली करवाया जाए दोस्तों, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, सामान्य ज्ञान, ये सारी चीजें रहती हैं। तो इसलिए जीएस के जो प्रीवियस 35 या 40 मतलब सेट है मेरे पास, उसी सेट से मैं जीएस के सारे प्रश्नों को निकाल करके लाता रहूंगा, बीच बीच में 2-2 क्लास, 3-3 क्लास, उसमें आप जो है उसको देख करके नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों, उससे पढ़ने में आपको आसानी होगी। ठीक, और किसी का डाउट हो तो पूछ सकता है दोस्तों, अब आप एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों, डेली मैं नहीं कहूंगा, आज कह रहा हूं, एक बार आप शेयर करिए। ठीक, तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं
दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंग्लिश का। ठीक, एक बार जय हिंद, जय हिंद एक बार सब लोग कमेंट करिए, मैं सबके कमेंट देखता हूं दोस्तों। एक बार जय हिंद लिखिए सब लोग। एक बार जय हिंद लिखिए सब लोग दोस्तों। देखिए जो इंग्लिश का आपका सिलेबस है दोस्तों, हम लोग सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश का जो सिलेबस है दोस्तों आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव idioms and phrases, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव idioms phrases वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंटोनिम सेनोनिम पार्ट ऑफ स्पीच मिसस्पेल्ड फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद दोस्तों कॉमन एरर का और पैसेज का, ये सारे टॉपिक हैं दोस्तों, ये सारे टॉपिक हैं जिसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट की दोस्तों, तो एक प्रश्न या दो प्रश्न आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रहते हैं। एक्टिव पैसिव से भी दोस्तों एक या दो प्रश्न रहते हैं। आइडियम्स एंड फ्रेजेस से दोस्तों एक या दो प्रश्न। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी आपका एक या दो प्रश्न। एंटोनेम से एक या दो प्रश्न। सेनोनेम से एक या दो प्रश्न। पार्ट ऑफ स्पीच से तीन या चार प्रश्न दोस्तों, तीन या चार प्रश्न आपके पार्ट ऑफ स्पीच से रहते हैं। एक प्रश्न आपका दोस्तों मिसस्पेल्ड से रहता है। तीन या चार प्रश्न आपके फिलिंग द ब्लैंक से रहते हैं। एक या दो क्वेश्चन कॉमन एरर से रहता है दोस्तों, और उसी तरह तीन या चार क्वेश्चन पैसेज से रहते हैं। ये इतनी चीजें हैं दोस्तों। देखिए कोई भी चीज किसी भी युद्ध में उतरने से पहले हमको उस युद्ध की जानकारी होनी चाहिए कि उस युद्ध में कितने सैनिक आएंगे, कितने लोग रहेंगे, कैसे युद्ध करना है, रणनीति बनानी चाहिए दोस्तों। तो ये हम लोगों की रणनीति है। जो भी चैप्टर आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये इसी हिसाब से पूछे गए हैं दोस्तों। और देखिए आपको मैं बता दूं दोस्तों, आप जब हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ दोस्तों, वहां पे जब आप सर्च करेंगे तो लिखा हुआ है बेसिक इंग्लिश ग्रामर, या फिर अगर ना मिले तो डाल दीजिएगा इंग्लिश ग्रामर बाई आर के वाई सर। ठीक, क्या डालेंगे दोस्तों? इंग्लिश ग्रामर बाई आर के वाई सर। जी हाँ दोस्तों, तो जब आप ये डालेंगे तो आपको आर के वाई सर की बेसिक इंग्लिश ग्रामर मिल जाएगी। तो वहां पर पूरा आपको एयरफोर्स के लिए ही जो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर पूरा जो है डायरेक्ट डायरेक्ट आपको करवाया गया है। लेकिन मैं यहां फिर से करवाऊंगा, आप परेशान मत होइएगा दोस्तों। ये है आपके पास सिलेबस दोस्तों, इतनी चीजें पूछी जाती हैं। और जो बताया जाएगा दोस्तों आपका क्या रहेगा, सुनिएगा क्या क्या बताया जाएगा और कैसे बताया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों डेली डेली आपका क्या होगा देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों एक रूल बताया जाएगा, उस रूल पे दोस्तों चार एग्जाम्पल करवाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक रूल करवाया जाएगा, उस रूल पे चार एग्जाम्पल करवाए जाएंगे दोस्तों। उसके बाद फिर पांच वर्ड करवाए जाएंगे दोस्तों। ठीक, उसके बाद फिर एक रूल करवाया जाएगा, पांच वर्ड करवाए जाएंगे दोस्तों। फिर अगला तीन तीन वन वर्ड करवाया जाएगा दोस्तों।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर अगला दोस्तों, चार आपके आइडियम एंड फ्रेजेस करवाए जाएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, चार आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस करवाए जाएंगे। ठीक, ये आपके डेली के रूटीन का है दोस्तों, ये आपके इंग्लिश की डेली के रूटीन का ये नियम है दोस्तों। इतनी चीजें आपको करवाई जाएंगी और इसी के साथ दोस्तों पांच आपको प्रीपोजिशन करवाए जाएंगे। ठीक, इतनी चीजें आपको दोस्तों डेली करवाई जाएगी। कहीं पर अगर कोई डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट करिए, बताइए। इतनी चीजें आपको डेली करवाई जाएंगी दोस्तों इंग्लिश में, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों जब आप 8 या 10 क्लास देख लेंगे तो उसके बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा, हमारी जो है तैयारी बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों। आप केवल पर डे रेगुलर रहिए। हेलो मोहित, देवेश, हाँ पूरा करवाया जाएगा दोस्तों, आपका कोर्स जो है पूरा करवाया जाएगा। अगर आप लोग साथ देते हैं दोस्तों तो आपकी एयरफोर्स स्पेशल के लिए जो है बहुत सारी क्लासेस के मतलब कि अच्छी अच्छी क्लासेस आपकी चलवाई जाएंगी दोस्तों। अभी केवल आपकी 3 क्लास चलेगी, एक अभी चलेगी, एक शाम को प्रैक्टिस बैच चलेगी। जिनको इस बार एग्ज़ाम देना है, अर्थात 18 मार्च को आपका एग्ज़ाम होना था, लेकिन ड्यू टू कोरोना महामारी वो एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो गया। अब हो सकता है कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम हो, तो जो इस पीरियड में एयरफोर्स का एग्ज़ाम देंगे दोस्तों उनके लिए वो 4 बजे वाली सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक, तो आपकी अभी 10 बजे वाली क्लास चलेगी दोस्तों, और 25 अगस्त से, जी हाँ दोस्तों 25 अगस्त से आपकी सारी क्लासेस, एयरफोर्स की सारी क्लासेस स्मूथली रन करेगी दोस्तों। ठीक, तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा, धैर्य रखिएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। एयरफोर्स के लिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और आप लोग एक नोट्स बना लीजिएगा, एक नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिख रहा होगा, लिखा है माय ब्रदर डिड नॉट रिटर्न बैक माय मनी। ठीक, और नो एरर। दूसरा आपको दिख रहा होगा दोस्तों, द वाटर ऑफ रिवर रिसीडेड बैक आफ्टर द फ्लूड। तो देखिए दोस्तों कुछ शब्द होते हैं, आपको दोनों वर्ड दिख रहे होंगे, एक बार आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि पहले में क्या एरर है, कौन से पार्ट में एरर है और दूसरे में कौन से पार्ट में एरर है। आप एक बार कमेंट करिए दोस्तों, मैं देखता हूं कि कौन सा बच्चा बताता है। परेशान मत होइएगा दोस्तों, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। देखिए दोस्तों, पहले वाले में जो एरर है वो बी पार्ट में एरर है, और दूसरे वाले में भी जो एरर है दोस्तों वो बी पार्ट में है। कैसे दोस्तों, सुनिएगा। आपके पास कुछ वर्ड हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे 9 वर्ड। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 9 वर्ड दिख रहे होंगे दोस्तों। सपोज इफ, सपोजिंग इफ, रिटर्न बैक, रिसीड बैक, रिकॉल बैक, रिम्बर्स बैक, रिट्रीट बैक और विथड्रॉ बैक। जी हाँ दोस्तों, ये जितने भी वर्ड आपको दिख रहे हैं, मतलब पहला वर्ड आपको दिख रहा है सपोज, सपोज इफ या सपोजिंग इफ, पहला वर्ड, और दूसरा वर्ड आपको दिख रहा होगा दोस्तों, पहला वर्ड आपको दिख रहा है सपोज इफ, दूसरा वर्ड आपको दिख रहा है सपोजिंग इफ। दोस्तों कभी भी अगर सपोज आपको मिल जाएगा तो उसके साथ इफ नहीं लिखा जाएगा दोस्तों।
चाहे आप सपोज का प्रयोग कर दीजिए और चाहे आप इफ का प्रयोग कर दीजिए, दोनों का मतलब दोस्तों एक ही होता है। सपोज मीन्स भी मानना होता है और इफ मीन्स भी मानना होता है। कहते हैं कि यदि मैं राजा होता तो सोने की चिड़िया बनवा के बेचता, या राजा है तो बेचेगा नहीं, सोने की चिड़िया बनवा कर दान करता। तो दोस्तों इफ आई वर ए किंग, यदि मैं राजा होता, तब सोच रहे होंगे सर जी आई के साथ वर क्यों प्रयोग किया गया, तो बताया जाएगा दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस है ये। कंडीशनल सेंटेंस आपको पूरा विस्तार से बताया जाएगा, तो उसमें आप इसको समझेंगे। पेपर में पूछा जाता है यदि वह हंसता है माना कि जैसे वह पागल हो, ही लाफ एज इफ ही वर मेड। तो यहां पर भी दोस्तों देख रहे होंगे ही के साथ वर का प्रयोग किया गया, तो ये भी आपका कंडीशनल सेंटेंस में आएगा दोस्तों। वह हंसता है माना कि जैसे, तो माना कि जैसे का जो वर्ड होता है दोस्तों एज इफ मतलब माना कि जैसे। वही दोस्तों संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तो यहां पर लिस्ट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और लिस्ट के साथ हमेशा सुड का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, ये सारी चीजें हैं, बस इंतजार करिए और सारी चीजें आपको मिलेंगी दोस्तों। तो कहीं भी समस्या हो दोस्तों तो आप हमारी व्हाट्सएप ग्रुप पर हमको मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताया कीजिए कि सर बहुत अच्छा लग रहा है या फिर कैसा है क्या है। ठीक, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जो हम बता रहे हैं कि कभी भी सपोज के साथ इफ का प्रयोग नहीं करते, कभी भी सपोजिंग के साथ इफ का प्रयोग नहीं करते। उसी प्रकार अगला आप देख रहे होंगे रिटर्न बैक और रिसीड बैक। जी हाँ दोस्तों, अगला देख रहे होंगे आप रिटर्न बैक या फिर इसके आगे आप लोग देख रहे होंगे, एक आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा रिसीड बैक, RECEDE, RECEDE BACK। देखिए दोस्तों रिटर्न मतलब होता है वापस और बैक मतलब भी होता है वापस। ठीक, उसी प्रकार रिसीड मतलब भी होता है वापस और बैक मतलब भी होता है वापस। रिसीड का मतलब होता है किसी पानी होने के लिए, तरल पदार्थ के लिए रिसीड का प्रयोग करते हैं। जैसे बाढ़ का पानी वापस आ गया तो द फ्लूड वाटर रिसीड, अब करेंगे क्या, रिसीड बैक लिखा रहता है। तो दोस्तों जो आपको दिख रहा होगा दूसरा वाला देखिए, पहले वाले में हमने बताया बी, दूसरे वाले में देखिए लिखा हुआ है द वाटर ऑफ रिवर रिसीड बैक, मतलब नदी का पानी रिसीड बैक वापस चला गया आफ्टर द फ्लूड बाढ़ के बाद। तो देखिए रिसीड के साथ बैक का प्रयोग किया गया है दोस्तों, तो हमने कहा कि अगर आप रिसीड का प्रयोग कर देंगे तो उसके साथ बैक का प्रयोग नहीं होगा, और अगर बैक का प्रयोग कर देंगे दोस्तों तो रिसीड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसी तरह दोस्तों रिटर्न बैक, अगर आप रिटर्न का प्रयोग कर देते हैं दोस्तों तो रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अगर आप बैक का प्रयोग कर देते हैं दोस्तों तो रिटर्न का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कहीं पर डाउट हो दोस्तों तो बताइएगा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी 25 अगस्त से। जी हां दोस्तों 25 अगस्त से आपको पीडीएफ मिलेगी, और इसको आप हमारे साथ लिखते चलिएगा, ये नहीं कि पीडीएफ मिलेगी तो वहां से पढ़ लेंगे। दोस्तों देखिए जब आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो वो चीज आपको ज्यादा बेस्ट रहेगी। ठीक, तो कहीं भी समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिएगा। तो रिटर्न बैक रिसीड बैक, अगला आप देख रहे होंगे, अगला आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा तीसरा और चौथा। जी हां दोस्तों तीसरा और चौथा लिखा है, कह रहा है द कंपनी हैज रिकॉल्ड बाइक मेनी बाइक्स ड्यू टू ए टेक्निकल फॉल्ट। द कंपनी मतलब कंपनी ने हैज रिकॉल्ड बाइक वापस बुला लिया मेनी बाइक्स, बहुत सारी गाड़ियों को, ड्यू टू ए टेक्निकल फॉल्ट, किसी तकनीकी समस्या के कारण। जो कंपनी है वो गाड़ियों को वापस बुला रही है किस लिए, ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट, तकनीक कमियों के कारण। तो दोस्तों देखिए अब इसमें हमको बताना है कि क्या गलत है दोस्तों, आप लोग कमेंट करिए, मैं देखता हूं कि कौन सा बच्चा सही बताता है। वहीं चौथा लिखा हुआ है सपोज इफ यू डू नॉट गो देयर व्हाट विल ही डू,
सपोज इफ मतलब कि यदि यू डू नॉट गो देयर, तुम वहां नहीं जाओगे, व्हाट विल ही डू, तो वह क्या करेगा दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिए और तीसरे और चौथे का बताइए कि क्या सही होगा। जी हाँ दोस्तों, तीसरे और चौथे का बताइए कि क्या सही होगा। तो बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। इसका जो सही हो जाएगा दोस्तों, तीसरे का सही ऑप्शन हो जाएगा बी दोस्तों, बी में गलत है। और चौथे का दोस्तों ए में गलत है। चौथा तो हमने बताया ही दोस्तों कि सपोज के साथ इफ अगर कहीं लिखा है दोस्तों, तो सपोज के साथ इफ का प्रयोग नहीं करते, रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं करते, रिसीड के साथ बैक का प्रयोग नहीं करते। तो दोस्तों इसमें देखिए जो लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन लिखा है रिकॉल्ड बैक। तो दोस्तों रिकॉल हो या रिमबर्स हो, दो चीज है, एक तो आपका रिकॉल है और एक रिमबर्स है। एक आपका है रिकॉल, री मतलब होता है पुनः, कॉल मतलब होता है बुलाना, तो पुनः बुलाना या फिर दोस्तों बैक, ये दोनों चीजें दोस्तों एक ही है। चाहे आप रिकॉल का प्रयोग करिए, चाहे आप बैक का प्रयोग करिए, लेकिन रिकॉल बैक ये दोनों एक साथ नहीं होगा, सुपरफ्लुअस हो जाता है दोस्तों, सुपरफ्लुअस। तो इसलिए जो है रिकॉल के साथ बैक का प्रयोग नहीं करेंगे। मोहित थैंक यू, दीपक थैंक यू, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग जो है बहुत अच्छे हैं। तो देखिए दोस्तों, तो हम बता रहे थे अगला क्या है, रिमबर्स बैक्स, आर ई आई एम बी, कहीं भी समस्या हो दोस्तों कमेंट करिएगा, यू आर यस ई रिमबर्स बैक। तो यहां पर भी देखिए दोस्तों, अगर कहीं रिमबर्स लिखा हुआ है तो रिमबर्स के साथ बैक का प्रयोग नहीं किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, रिमबर्स के साथ बैक का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसा कि अगला पांचवा और छठवा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, लिखा है दे हैव विथड्रॉ बैक द चार्जेज, और अगला है ए कैट कैन रिट्रैक्ट बैक इट्स क्लॉज। तो इन दोनों में, पांचवें और छठवें में आप लोग बताइए कि क्या सही होगा। जी हाँ दोस्तों, पांचवें और छठवें में आप लोग बताइए कि क्या सही होगा। ठीक, तो सही जवाब आ रहा है आपका दोस्तों, पांचवें में आपका विथड्रा बैक है, विथड्रा के साथ बैक नहीं लगेगा, और छठे में आपको रिट्रैक्ट बैक लिखा हुआ है, रिट्रैक्ट के साथ बैक का प्रयोग नहीं होगा। तो दोस्तों ये था हमारा रूल वन। जी हाँ दोस्तों, ये था हमारा रूल वन, और रूल वन के हमने 6 एग्जाम्पल दिए दोस्तों और रूल आप लिख लीजिए दोस्तों, रूल आप लिख लीजिए कि सपोजिंग रिटर्न रिसीड रिकॉल रिमबर्स रिट्रीट रिट्रैक्ट और विथड्रा। ठीक, लिखिए आप एक बार फिर सुनिए, आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा दोस्तों, सपोज रिटर्न रिसीड रिकॉल रिमबर्स रिट्रैक्ट रिट्रीट और विथड्रा के साथ बैक का प्रयोग नहीं करते हैं, के साथ बैक का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। तो ये था आज का आपका रूल। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, दूसरा हम पढ़ेंगे वर्ड। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा दोस्तों, हमारे साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगला देखिए दोस्तों, दूसरा हम लोग वर्ड देखेंगे। वर्ड क्या है दोस्तों, वर्ड क्या है, वर्ड है लॉजी। जी हाँ दोस्तों, लॉजी वर्ड है, लॉजी एल ओ जी वाई लॉजी। लॉजी का मतलब होता है दोस्तों अध्ययन, अध्ययन या फिर विज्ञान। जी हां दोस्तों, लॉजी का मतलब होता है दोस्तों अध्ययन या विज्ञान। मोहित सर बहुत अच्छा समझा रहे हैं, धन्यवाद मोहित। देवेश धन्यवाद, ये क्या है, फाइटर प्लेन, धन्यवाद।
इंडियन आर्मी, धन्यवाद आप सभी को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब इतना प्रेम और स्नेह दे रहे हैं दोस्तों। आप लोग इसी प्रकार जो है पढ़ाई करते रहिए, और निश्चित ही जय हिंद जय हिंद एक बार कमेंट करिए दोस्तों, सभी लोग एक बार जय हिंद का कमेंट करें। तो दोस्तों देखते हैं आर्कियोलॉजी, जी हाँ दोस्तों आर्कियोलॉजी देख रहे होंगे आप, आर्कियोलॉजी सभी लोग देख रहे होंगे। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? आर्क मींस होता है आग, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी मतलब होता है दोस्तों पुरातत्व विज्ञान। क्या होता है दोस्तों? पुरातत्व विज्ञान। और पुरातत्व विज्ञान का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब भी पुरानी चीजों का अध्ययन किया जाए, पुरानी चीजों का जब अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो पुरानी चीजों का जो अध्ययन किया जाता है वो आर्कियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों पुरातत्व विज्ञान। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टडी, जब भी आपको लॉजी शब्द मिल जाए, कौन सा शब्द? लॉजी शब्द मिल जाए तो इसका मतलब ऑप्शन में आप स्टडी ढूंढिएगा। क्या ढूंढिएगा दोस्तों? स्टडी ढूंढिएगा। चार ऑप्शन दिया रहेगा दोस्तों, चार ऑप्शन में ढूंढिएगा कि स्टडी किस में है। और आर्कियोलॉजी, आर्कियो मतलब होता है पुरातत्व और लॉजी मतलब होता है विज्ञान या अध्ययन, आर्कियोलॉजी मतलब होता है दोस्तों पुरातत्व विज्ञान या पुरातत्व का अध्ययन, स्टडी ऑफ इयरलियर सिविलाइजेशन। जी हां दोस्तों, स्टडी ऑफ इयरलियर सिविलाइजेशन, जी हां दोस्तों, स्टडी ऑफ इयरलियर सिविलाइजेशन ये है आपका दोस्तों। स्टडी मतलब अध्ययन, ऑफ माने का, इयरलियर मतलब पहले की, सिविलाइजेशन माने सभ्यताओं का, पहली सभ्यताओं का अध्ययन या पुरानी सभ्यताओं का अध्ययन जो होता है दोस्तों उसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान। उसी तरह दोस्तों दूसरा प्रश्न देखिएगा, एंथ्रोपोलॉजी, जी हां दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी, देखिए एंथ्रोप मींस होता है दोस्तों क्या? एंथ्रोप मींस होता है मानव, एंथ्रोप, अगर कहीं एंथ्रोप मिल जाए दोस्तों तो एंथ्रोप का मतलब होता है मानव, और लॉजी का मतलब होता है दोस्तों अध्ययन, तो मानव का अध्ययन या फिर मानव विज्ञान। जी हां दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है दोस्तों मानव विज्ञान, और मानव विज्ञान का मतलब कि मानव का अध्ययन जो किया जाता है दोस्तों वो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, मानव के विज्ञान अर्थात मानव का जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों वो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइंड, बताइए दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं, बताइए दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं, इस बार एयरफोर्स में सिलेक्शन लेंगे कि नहीं, सभी लोग बताइए दोस्तों, मजा आ रही हो तो कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है मानव विज्ञान, और या फिर इसको आप कह दीजिए स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन, किसी मानव के विकास का जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों वही चीज है हमारा एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान। कहीं भी कोई भी समस्या हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा, कहीं अगर पढ़ने में समस्या हो तब भी बताइएगा, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों डर्मेटोलॉजी, जी हां दोस्तों डर्मेटोलॉजी, ये बताइए दोस्तों जब आपको अंधोरी हो जाती है, सोचते होंगे अंधोरी, कितने लोग अंधोरी जानते हैं कमेंट करिए बताइए, कितने लोग अंधोरी जानते हैं दोस्तों? जब देखिए दोस्तों गर्मी में जैसे पसीना खूब हुआ हो और आप नहा लीजिए तो छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और वहां पे खुजली बहुत होती है दोस्तों, तो उसे कहते हैं अंधोरी। और दोस्तों अंधोरी के लिए एक पाउडर आता है जिसको कहते हैं डर्मीकूल, डर्मीकूल पाउडर कितने लोग लगाए हैं बताइए सभी लोग, कितने लोग डर्मीकूल पाउडर लगाए हैं दोस्तों? मजा आ रही हो तो लाइक करिएगा दोस्तों। डर्मीकूल लगता है स्किन के लिए, जी हाँ दोस्तों डर्मीकूल स्क्रीन पर जब मतलब स्किन पर जब शरीर पर आप लगाते हैं तो जो खुजली वगैरह रहती है वो सब खत्म हो जाती है दोस्तों, ठंडा ठंडा पाउडर, ठंडा ठंडा कूल कूल डर्मीकूल, तो वही चीज है दोस्तों डर्मेटोलॉजी। देखिए डर्मी से बना हुआ, डर्म
डर्म, डर्मे मतलब डर्मेटो मतलब होता है दोस्तों स्किन त्वचा, और लॉजी मतलब होता है विज्ञान। तो डर्मेटोलॉजी मतलब होता है दोस्तों त्वचा विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है त्वचा विज्ञान। तो जब भी आप त्वचा से संबंधित स्टडी ऑफ स्किन्स, तो जब भी आप दोस्तों त्वचा से संबंधित किसी चीज का अध्ययन करेंगे तो वो चीज आपका हो जाएगा क्या, डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन। बताइए दोस्तों मजा आ रही है कि नहीं। दोस्तों इसको सबको आप लिखते चलिएगा, इसको सारे पॉइंट को आप लिखते चलिएगा दोस्तों। डर्मेटोलॉजी त्वचा विज्ञान स्टडी ऑफ स्किन। और डर्मेटो को मैंने याद करना बता दिया कि डर्मी कूल, गर्मी में जब आप कूल होना चाहते हो तो डर्मी कूल लगाइए, यानी कि त्वचा से संबंधित। तो त्वचा का मतलब त्वचा विज्ञान डर्मेटोलॉजी। अगला दोस्तों देखते हैं चौथा, दिख रहा है आपको कि नहीं एक बार कमेंट करिए और बताइए कि आवाज आवाज सब क्लियर है कि नहीं दोस्तों, एक बार बताइए दोस्तों आवाज आवाज क्लियर है कि नहीं। मोहित कह रहे हैं कि सर बीच में लाइट पड़ रही है। मोहित चिंता मत करिए कि ये सेटअप जो है, चूंकि अभी जैसा कि आप जान रहे होंगे कि ऑफलाइन क्लासेस चल नहीं रही हैं, तो इसको रूम पर सेट किया गया है दोस्तों। तो ये रॉड जो है वहां पे लगा दी जाएगी, तो ये लाइट जो लगी मतलब लाइट आपको बीच में आ रही है वो नहीं आएगी दोस्तों, परेशान मत होइएगा। 25 अगस्त के पहले पहले सब सेट हो जाएगा दोस्तों। तो डर्मेटोलॉजी ये था। आगे चलिए दोस्तों पैथोलॉजी। आप लोग सभी लोग, कितने लोग गए हैं पैथोलॉजी बताइए दोस्तों, क्या आप लोग जानते थे पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? दोस्तों क्या आप जानते थे पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? दोस्तों पैथोलॉजी का मतलब होता है दवा विज्ञान या रोग विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, रोग विज्ञान या फिर दवा विज्ञान, दवा विज्ञान या फिर रोग विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ डिसीजेज। जी हाँ दोस्तों, डिसीज मतलब होता है बीमारी, डिसीज मतलब होता है बीमारी। तो डी आई एस ई एस ई एस डिसीजेज। जी हाँ दोस्तों, डिसीजेज, डिसीजेज मतलब होता है, एक मिनट रुक जाइएगा, ई ए एस ई एस स्टडी ऑफ डिसीजेज। स्टडी मतलब अध्ययन, ऑफ माने का, डिसीजेज मतलब रोगों का अध्ययन। और रोगों का अध्ययन जो किया जाता है दोस्तों वो पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कहीं भी समस्या हो दोस्तों बताइए, मजा आ रही है कि नहीं बताइए, मजा आ रही है कि नहीं, जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग, मजा आ रही है कि नहीं। आगे और आज का आखिरी देखिए दोस्तों, आज का आखिरी वर्ड देखिए लॉजी में, लॉजी में जो आज का आखिरी वर्ड है दोस्तों आप देखिए, और वो है दोस्तों न्यूरोलॉजी। जी अगला है दोस्तों न्यूरोलॉजी, और न्यूरोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे न्यूरॉन्स क्या, कितने लोग हैं जो जानते हैं कि न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम है, होता है हमारे शरीर में, कितने लोग हैं बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों। तंत्रिका तंत्र होता है दोस्तों, इसका मतलब तंत्रिका तंत्र। जी हाँ दोस्तों, न्यूरोलॉजी का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका तंत्र का अध्ययन दोस्तों। लॉजी मतलब अध्ययन यानी कि स्टडी, और न्यूरो मतलब होता है नर्वस सिस्टम। तो स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका विज्ञान, तंत्रिका तंत्र विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, तो आज बताइए आप लोगों को ये समझ में आया आज का वर्ड कि नहीं? आज का वर्ड हमारा था लॉजी, अर्थात अगर आपको लॉजी मिल जाए तो ये समझ लीजिएगा कि जिसमें आपका स्टडी शब्द होगा, ऑप्शन में जिसमें आपका स्टडी मिलेगा वही आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों। तो बताइए कि ये समझ में आया कि नहीं पांचों, बताइए दोस्तों पांचों समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आ गया हो दोस्तों जय हिंद लिखिए दोस्तों, समझ में आ गया हो दोस्तों तो जय हिंद लिखिए जल्दी, समझ में आ गया हो दोस्तों तो जय हिंद लिखिए। आज की क्लास थोड़ा लंबी लग रही होगी दोस्तों, क्योंकि शुरू में इंट्रोडक्शन मैंने बताया, इसकी वजह से आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन अगली क्लास से आपको लंबी क्लास नहीं लगेगी दोस्तों, अगली क्लास से आपकी क्लासेस जो है सही लगेगी। तो अगला देखिए, आगे हम चलते हैं अब वन वर्ड पर। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं वन वर्ड पर, और वन वर्ड का दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि मजा आ रही है कि नहीं दोस्तों। वन वर्ड का दोस्तों पहला शब्द देखते हैं मेनिया से। जी हाँ दोस्तों, और मेनिया मतलब होता है सनक। जी हाँ, वन वर्ड
सब्स्टिट्यूशन, OWS। जी हाँ दोस्तों, OWS, OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आज का जो पॉइंट है हमारा वो है मेनिया। अगर किसी भी वर्ड में दोस्तों लास्ट में आपको मेनिया मिल जाए, क्या मिल जाए दोस्तों, मेनिया मिल जाए, तो मेनिया मतलब होता है सनक, और सनक का मतलब होता है दोस्तों डिजायर, डिजायर का मतलब होता है दोस्तों इच्छा। तो याद रखिएगा कि जब भी वन वर्ड में आपको मेनिया शब्द मिल जाए तो ऑप्शन में आप डिजायर हेरिएगा। क्या हेरिएगा दोस्तों, डिजायर हेरिएगा। जैसा कि पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, स्क्रीन पर क्या मतलब मैं लिखता हूं दोस्तों, ERGOMANIA, एर्गोमेनिया। जी हाँ दोस्तों, एर्गोमेनिया। और एर्गो मीन्स होता है दोस्तों कार्य, और मेनिया मीन्स होता है सनक, अर्थात दोस्तों कार्य करने की सनक। जी हाँ दोस्तों, कार्य करने की जो सनक होती है दोस्तों उसे कहते हैं एर्गोमेनिया। एर्गोमेनिया मीन्स होता है दोस्तों कार्य करने की सनक, यानी कि डिजायर टू वर्क और एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब होता है जिससे आप बहुत ज्यादा मतलब कि प्रभावशाली हो, वो एक्सटेंसिव होता है दोस्तों। तो एक्सटेंसिव मतलब होता है कि प्रभावशाली, डिजायर मतलब इच्छा, मतलब तगड़ी इच्छा, जिसको सनक बोलते हैं दोस्तों, ऑफ वर्क और एक्सरसाइज। तो एर्गोमेनिया मीन्स होता है कार्य करने की सनक दोस्तों। मजा आ रही हो तो जरूर लाइक करिएगा दोस्तों। एर्गो मीन्स होता है दोस्तों कार्य, और मेनिया मीन्स होता है सनक। एर्गोमेनिया मतलब कार्य करने की सनक। बताइए दोस्तों कहीं समस्या हो तो। एक्सटेंसिव, जी हाँ दोस्तों, एक्सटेंसिव, रुक जाइएगा, EXCESSIVE, एक्सेसिव, एक्सेसिव डिजायर, ठीक, एक्सेसिव डिजायर, ठीक, एक्सेसिव डिजायर टू वर्क। जी हाँ दोस्तों, एक्सेसिव डिजायर टू वर्क मतलब कार्य करने की सनक जो होती है दोस्तों उसे कहते हैं एर्गोमेनिया। जी हाँ दोस्तों, उसी तरह आगे चलते हैं दोस्तों, एवी साइड। एवी मीन्स होता है दोस्तों पक्षी, और साइड मीन्स होता है दोस्तों हत्या, मतलब एवी साइड मतलब होता है दोस्तों पक्षी की हत्या। जी हाँ दोस्तों, जो भी व्यक्ति पक्षी की हत्या करता है उसे कहते हैं दोस्तों एवी साइड, एवी साइड यानी कि मर्डरर। तो एन एवी साइड इज एनी सब्जेक्ट विच कैन बी, यानी कि द किलिंग ऑफ बर्ड। क्या बताया हमने दोस्तों, द किलिंग ऑफ बर्ड। जी हां दोस्तों, द किलिंग ऑफ बर्ड्स यानी कि पक्षी की हत्या, पक्षियों की जो हत्या करता है दोस्तों एवी साइड कहलाता है। इसमें एक शब्द मिला दोस्तों साइड, साइड का मतलब होता है हत्या। जी हाँ दोस्तों, पैट्रिसाइट पिता की हत्या, मैट्रिसाइट माता की हत्या, सुरोरिसाइट बहन की हत्या, फिलिसाइट बच्चों की हत्या। जी हाँ दोस्तों, होमोसाइट नरसंहार मानवों की हत्या। उसी तरह जब आदमी परेशान हो जाता है दोस्तों तो कर लेता है सुसाइड, स्वयं की हत्या। तो साइड शब्द दोस्तों क्या था, ये साइड शब्द था। अगर आपको साइड शब्द मिल जाए दोस्तों तो साइड का मतलब होता है हत्या, और हत्या अगर मिल जाएगी तो इसका मतलब द किलिंग। तो क्या था दोस्तों, एवी साइड पक्षी की हत्या, यानी कि द किलिंग ऑफ बर्ड। जी हाँ दोस्तों, द किलिंग ऑफ बर्ड। अगला दोस्तों देखिए, लिखा हुआ है साइबर फोबिया। जी हाँ दोस्तों, साइबर फोबिया, इसमें एक शब्द आपको दिख रहा होगा दोस्तों फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है, फोबिया का मतलब होता है दोस्तों भय। फोबिया का मतलब होता है भय दोस्तों, डर। तो देखिए, साइबर मतलब होता है कंप्यूटर, साइबर का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर, फोबिया का मतलब होता है भय। तो कंप्यूटर का भय जो होता है दोस्तों, कंप्यूटर का भय, तो कंप्यूटर का जो भय होता है दोस्तों उसको कहते हैं साइबर फोबिया। साइबर फोबिया का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर का भय, या फिर फियर, फियर ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों,
फियर मतलब डर या भय ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का फियर ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर का भय। किसी को भी दोस्तों कहीं भी समस्या हो तो बताइए, किसी को भी कहीं भी समस्या हो दोस्तों बताइए। तो ये था आज का वर्ड दोस्तों, आगे चलते हैं। ये था आपका वन वर्ड और तीन वन वर्ड हमने बताए, आप लोग नोट्स बनाते चलिए दोस्तों, और गारंटी करता हूँ कि 8 से 10 दिन में आपको लगेगा कि हाँ मजा आ रही है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला आपका है दोस्तों आईपी। आईपी का मतलब होता है दोस्तों idioms एंड phrases। जी हाँ दोस्तों, idioms एंड phrases। और idioms एंड phrases में हम आज क्या देखेंगे दोस्तों, देखिए get under skin। जी हाँ दोस्तों, get under skins। देखिए गेट अंडर मतलब अंदर, अंदर अंडर अंडर अंदर अंदर स्किन, स्किन के, स्किन के अंदर दोस्तों जब कोई चीज घुस जाती है तो क्या होता है दोस्तों, परेशानी होती है, परेशानी होती है ना। तो गेट अंडर स्किन का मतलब होता है दोस्तों परेशान करना। जी हाँ दोस्तों, गेट अंडर स्किन का मतलब होता है दोस्तों परेशान करना। जी हाँ दोस्तों, गेट अंडर स्किन का मतलब होता है परेशान करना, टू एनॉय समवन। जी हाँ दोस्तों, टू एनॉय समवन। जी हाँ दोस्तों, टू एनॉय समवन, टू एनॉय समवन का मतलब होता है दोस्तों परेशान करना। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है परेशान करना, annoy someone। आगे देखिए दोस्तों, अगला लिखा होगा, लिखा है गिव ए वाइड बर्थ। जी हाँ दोस्तों, गिव माने दीजिए, ए वाइड मतलब एक चौड़ी, बर्थ मतलब सीट, मतलब चौड़ी सीट दीजिए, मतलब कोई आया और आपके बगल बैठ गया, थोड़ा सा बर्थ दे दीजिए, वाइड वाइड, थोड़ा और चौड़े हो जाइए, मतलब थोड़ा और उधर हो जाइए दोस्तों, मतलब बीच में जगह बना कर रखिए, अर्थात गिव वाइड बर्थ मतलब होता है दोस्तों दूरी बना कर रखना। जी हाँ दोस्तों, गिव वाइड बर्थ मतलब होता है दोस्तों दूरी बना कर रखना। मजा आ रही हो दोस्तों तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। देखिए टू कीप फार अवे, टू कीप फार अवे, टू कीप फार अवे मीन्स होता है दोस्तों दूरी बना कर रखना। तो गिव ए वाइड बर्थ चाहे कह दिया जाए और चाहे टू कीप फार अवे कर दिया जाए, दोनों का मतलब होता है दोस्तों दूरी बना कर रखना। मजा आ रही हो दोस्तों तो लाइक करिएगा। और दोस्तों आज का जो अगला प्रश्न, अगला वर्ड है, देखिएगा टू सो वाइल्ड ओट्स। जी हाँ दोस्तों, टू सो वाइट, एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, टू सो वाइल्ड ओथ है, डब्ल्यू आई एल डी है। जी हाँ दोस्तों, टू सो वाइल्ड ओथ, ठीक, और ओथ्स की स्पेलिंग ओ ए टी एस, टू सो वाइल्ड ओट्स। देखिए टू सो मतलब होता है दिखाना, वाइल्ड ओट्स युवा अवस्थी अवस्था की गलतियां, तो युवा अवस्था की गलतियां। जी हां दोस्तों, टू सो वाइल्ड ओट्स, टू सो वाइल्ड ओट्स मतलब होता है दोस्तों युवा अवस्था की गलतियां। क्या होता है दोस्तों, युवा अवस्था की गलतियां। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इन ड्यूलिजेंस। जी हाँ दोस्तों, इन लिख लीजिएगा आई एन डी यू एल, मोहित सर लिख दीजिए, दीपक सर लिख दीजिए, तो लिख देता हूं मैं, मिटाना पड़ेगा दोस्तों। देवेश सर ज्यादा तेज बता रहे हैं, देवेश ज्यादा तेज तो नहीं है, चलिए ठीक है, हो सकता है कि ज्यादा तेज बता रहे हो, ठीक। तो ये है दोस्तों, ठीक, ये है, लिख लीजिएगा, क्या पढ़ेंगे आप लोग इसको बताइए, इंडिविजेंस, ठीक, इंडिविजेंस, इंडिविजेंस, ठीक, इन यूथफुल फॉल्स या इन यूथफुल फॉलीज मतलब होता है दोस्तों युवा अवस्था की गलतियां। आज का आखिरी दोस्तों,
आज का आखिरी दोस्तों, व्हेन इट पुअर। जी हाँ दोस्तों, व्हेन इट रेन्स इट पुअर्स, POURES लिखा है दोस्तों। व्हेन इट रेन्स इट पुअर्स मतलब होता है दोस्तों एक साथ कई बार होना, मतलब विपत्ति जब आती है तो एक साथ आती है, जिसको कहते हैं आप गरीबी में आटा गीला होना दोस्तों। तो व्हेन इट रेन्स इट पुअर्स मतलब होता है गरीबी में आटा गीला होना। जी हाँ दोस्तों, गरीबी में आटा गीला होना मतलब व्हेन समथिंग बैड ऑकर्स, मतलब जब कुछ गलत घटित हो, जब कुछ खराब घटित हो, तो उसे कहते हैं दोस्तों ये। तो आज का वीडियो था हमारा दोस्तों, पहला वीडियो था इसलिए ज़्यादा लंबा हो गया दोस्तों। अगर मज़ा आई हो दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। आपकी जो क्लासेस हैं दोस्तों 25 अगस्त से एयरफोर्स की सारी क्लासेस स्मूथली रन करेंगी दोस्तों, तो इसलिए परेशान मत होइएगा। कोई भी समस्या होती है दोस्तों तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप कमेंट करिएगा, मतलब मैसेज करिएगा, और अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो आप हमारे पर्सनल मैसेज पर मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, ठीक। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में कल इसी टाइम और इसी जगह पर, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट द स्पीड स्टडी दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।